हर हर महादेव, जय बाबा बासुकीनाथ। पहले तो आप बाबा बासुकीनाथ के दर्शन कीजिए, उसके बाद यह मनमोहक तस्वीर देखिए जो बहुत कम देखने को मिलती है। आप अपने स्क्रीन पर जो इस वक्त देख रहे हैं वह झारखंड का बाबा बासुकीनाथ धाम है। कुछ ही दिनों में सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और उससे पहले यह अद्भुत दृश्य हमारे सामने निकल कर आया है। इस दृश्य को आप फिर से देखिए, क्योंकि सालों बाद यह देखना हम सबका नसीब हुआ है। यहाँ शिवलिंग पर गाय के थन से दूध की धारा सीधे शिवलिंग पर चढ़ाई जा रही है। आपने शायद ही ऐसा सुंदर दृश्य पहले कभी देखा होगा। देखिए किस तरह पुजारी मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और एक व्यक्ति गाय के थन से सीधा दूध निकालते हुए शिवलिंग पर चढ़ा रहा है। साथ ही दूध चढ़ाते हुए मंत्रोच्चार के साथ बाबा का दूध से अभिषेक भी किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि जिस मनोकामना के लिए यह पूजा की जा रही थी वह कुछ ही समय में पूरी भी हो गई। आप सोच रहे होंगे, वैसे तो हर दिन दूध से बाबा का अभिषेक होता है, तो फिर इसमें खास क्या है? तो बता दें, यह अभिषेक इसलिए खास है क्योंकि गर्भगृह में सीधा गाय और बछड़े को ले जाया गया और फिर वहां दूध की धारा बाबा पर प्रवाहित की गई। यह वाकई बेहद आकर्षित करने वाला दृश्य है। दरअसल यह अभिषेक अच्छी बारिश के लिए की जाती है। इस तरह से आराधना करके मनोकामना की जाती है कि राज्य में अच्छी बारिश हो। आदिकाल से ही लोगों का मानना है कि इस तरह से बाबा पर दूध की धारा प्रवाहित करने से वह खुश होते हैं और अच्छी बारिश करते हैं। विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए परंपरा का निर्वहन करते हुए यह पूजा संपन्न की जाती है। और देखिए प्रभु की कृपा, अच्छी बात तो यह हुई कि इस दूधाभिषेक के एक घंटे बाद ही बासुकीनाथ और आसपास के क्षेत्र में झमाझम बारिश भी होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस पूजा से बाबा भोलेनाथ तुरंत ही अति प्रसन्न होते हैं और मनोकामना को जल्द पूरा करते हैं। बताते चले कि झारखंड का बाबा बासुकीनाथ धाम आस्था का केंद्र है। यहाँ हर दिन हजारों भक्तों का तांता लगा रहता है। श्रद्धालु जो भी मनोकामना लेकर बाबा की पूजा करने के लिए आते हैं इस मंदिर में पूर्ण करके जाते हैं। इस मंदिर में आदि परंपरा का निर्वहन कर पूजा पाठ की जाती है। आपको मालूम हो कि दुमका जिले के बासुकीनाथ क्षेत्र समेत आसपास के इलाकों में जब काफी दिनों तक बारिश नहीं होती तो किसान से लेकर आम लोग तक परेशान हो जाते हैं। इसके बाद इस विधि से पूजा की जाती है जिससे भगवान भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न होकर अच्छी बारिश करते हैं। लोग भगवान भोलेनाथ से अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान भोलेनाथ की इसी प्रकार आराधना से वह प्रसन्न होकर जन कल्याण के लिए अपनी कृपा बरसाते हैं और इलाके समेत पूरे राज्य में अच्छी बारिश देते हैं। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। The followup.in like, share and subscribe www.thefollowup.in